असम के 39 विधानसभा क्षेत्रों में से आज से 39 नए उपजिला कार्यात्मक हो गए हैं। आज से राज्य में महकमा कार्यालयों के स्थान पर उपजिला होगा। महकमा कार्यालयों का उपजिला में विलय कर दिया गया है। बीते दिनों ही सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसका ऐलान किया था और आज से ही सभी 39 उपजिला कार्यात्मक हो गए हैं। प्रशासनिक कामकाज को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन उपजिला का गठन किया गया है, जिसका अपना मुख्यालय होगा, जहां से प्रशासनिक कामकाज आगे बढ़ाया जाएगा। इन उपजिलों में एक अतिरिक्त जिला आयुक्त होंगे, जिनके पास जिला आयुक्त के समान की ही क्षमता होगी। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि पहले चरण के तहत 39 उपजिलों का गठन किया गया है और दूसरे चरण के तहत 35 उपजिलों का भी गठन किया जाएगा। इनके पास उपजिला के कामकाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। राज्य में 21 जिलों में से 39 उपजिलों का निर्माण किया गया है। सर्वाधिक कामरूप महानगर जिले में 5 उपजिलों का गठन किया गया है, जो ग्वालपाड़ा वेस्ट, दिसपुर, डिमोरिया, न्यू गुवाहाटी और जालुकबाड़ी है। इसी तरह तिनसुकिया, गोलाघाट और डिब्रुगढ़ में 4-4, नगांव में 3, धुबरी, विश्वनाथ, शिवसागर, दरंग, मोरेगांव, शोनितपुर और करीमगंज में 2-2 उपजिले का निर्माण किया गया है, जबकि बंगाईगांव, कामरूप, लखीमपुर, धेमाजी, जोरहाट, कछार, ग्वालपाड़ा, होजाई और चराइदियों में 1-1 उपजिला आज से ही कार्यात्मक हो गया है। এতিয়া আমি অসমত মহকুমা ব্যৱস্থাটোৰ বিলুপ্তি কৰিছো। আমাৰ ৰাজ্যত কোনো মহকুমা নাথাকিব। মহকুমাক আমি এতিয়াৰ পৰা সমজিলা বুলি জানিম। সমজিলা মানে জিলাৰ প্ৰায় সমান, অৰ্থাৎ জিলা উপায়ুক্তৰ যিমান ক্ষমতা থাকে সমজিলাধিপতিজনৰো একেই সমান ক্ষমতা থাকিব। 39টা বিধানসভা সমষ্টিত মহকুমাৰ পৰিৱৰ্তে বা মহকুমা ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্তি কৰি আমি সমজিলা স্থাপন কৰিম। এয়া হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আৰু প্ৰায় 35টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সমজিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিম। আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গৈ সমজিলাসমূহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। ইয়াৰ ফলত ভূমিৰ বিভিন্ন কামৰ বাবে সততে আমি জিলা সদৰ কাৰ্যালয়ত যাব নালাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ NOC পাৰ্মিশ্যনৰ বাবে আমি জিলাৰ সদৰত যাব নালাগিব। MLA, আনটাইট ফাণ্ড আদি বিভিন্ন চৰকাৰী ধনৰ লেনদেনৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব। আবকাৰী বিভাগৰ কাম কাজৰ বাবে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব। ৰেচন কাৰ্ড আদি বনোৱাৰ কাৰণে আমি জিলা সদৰত যাব নালাগিব। এই সমজিলাৰ কাৰ্যালয়তে এই গোটেইবোৰ কাম সমাপন হ'ব।